नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स पे तो आज हम आपके लिए अपने टॉप टेन ब्लाउज़ कलेक्शंस लेके आए हैं अगर आपको इसमें से कोई भी डिज़ाइन पसंद आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक पे जाके देख सकते हैं तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर सबसे फर्स्ट ब्लाउज है वो हमने यहाँ पर एक कॉलर नेक डिज़ाइन है और इसमें देखिए हमने यहाँ पर जो स्ट्रिप्ट वाला डिज़ाइन है वो लगाया है और यहाँ पर जो इसकी नेक है वो देखिए हमने यहाँ पर ये वाली नेक बनाई है तो ये देखिए और इसका जो स्टैंड कॉलर है वो उसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है हमने यहाँ पर इसको प्रिंसेस कट डिज़ाइन में बनाया है और पीछे हमने यहाँ पर वाटर ड्रॉप डिज़ाइन बनाया है और ये स्लीवलेस है और पीछे से इसके बैक हुक्स हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है अगर आप किसी भी पार्टी में इसे वेयर करें तो ये था हमारा फर्स्ट ब्लाउज़ डिज़ाइन सेकेंड ब्लाउज़ डिज़ाइन हमारे यहाँ पर पैठानी ब्लाउज़ डिज़ाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा अगर आप किसी भी शादी या फिर पूजा में कैरी करेंगे इसे हमने यहाँ पर इसे कपड़े के लटकन से तैयार किया है तो ये देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल इसका डिज़ाइन लग रहा है और हमने यहाँ पर इसको लेस से कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दिया है ये देखिए तो यहाँ पर ये जो ब्लाउज डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है दिखने में भी और हमने यहाँ पर इसको फ्रंट से ओपन किया है तो ये देखिए हमने यहाँ पर कटोरी कट डिज़ाइन बनाया है आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक भी देख सकते हैं तो ये हमारा सेकेंड ब्लाउज़ था थर्ड ब्लाउज़ हमने यहाँ पर डिसेंट सा ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाया है जिसका तो लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है हमने यहाँ पर सिर्फ दो लेसेस के यूज़ से इसको बहुत ही डेकोरेटिव बनाया है और हमने यहाँ पर इसमें कॉन्ट्रास्ट जो बॉर्डर्स हैं उनको यूज़ करते हुए अपने लटकन भी बनाए हैं तो ये देखिए यहाँ पर लेस को अटैच करते हुए हमने इसका जो बैक डिज़ाइन है वो बनाया है ये भी पहनने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है फ्रंट से हमने इसको ओपन प्रिंसेस कट दिया है आप चाहें तो इसे यहाँ पर इसमें पैड्स भी अटैच कर सकते हैं तो ये ब्लाउज़ डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है फोर्थ नंबर पे हमने यहाँ पर एक मटके गले का अपना ब्लाउज डिज़ाइन बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर इसकी जो लटकन है वो हमने यहाँ पर रेडीमेड यूज़ की है उसके बाद यहाँ पर जो इसकी जो स्लीव्स हैं वो देखिए हमने यहाँ पर ट्रायंगल शेप का जो क्लोथ डिज़ाइन है उसकी अपनी स्लीव्स बनाई हैं और जो इसका गला है वो हमने यहाँ पर यू टाइप का जो मटका गला होता है वो बनाया है फ्रंट में हमने कटोरी का डिज़ाइन बनाए हैं आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी इसके लिंक अवेलेबल है वो देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो फ्रंट से प्रिंसेस का डिज़ाइन भी यहाँ पर दे सकते हैं तो ये ब्लाउज भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल लगता है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक देता है जो फिफ्थ ब्लाउज़ है हमारा वो एक पार्टी वेयर ब्लाउज है तो देखिए जैसे कि ब्लैक ऑल फेवरेट होता है ये हर साड़ी पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है इसकी जो लेस है वो हमने यहाँ पर एक अटैच की है और हमने यहाँ पर इसको एक एल्यूजन सा लुक देते हुए नेट की हेल्प से इसको बनाया है तो ये देखिए कितना ज़्यादा प्रटी लग रहा है दिखने में और ये जो ब्लाउज़ है वो फ्रंट से वन टक्स ब्लाउज़ है इसकी स्लीव्स भी हमने बहुत छोटी छोटी बनाई हैं और यहाँ पर जो इसका बैक पार्ट है उसमें हमने छोटा सा की होल दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है इसको और बहुत ही ज़्यादा एक रॉयल लुक देता है इसको और हमने यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपल रखते हुए पीछे भी एक लेस अटैच कर दी है जिससे एक इवन लुक दे और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रटी लुक देता है तो ये पार्टीज में आप इसे कैरी कीजिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक देगा आपको तो ये हमारा फिफ्थ नंबर का ब्लाउज़ यहाँ पर है अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी लिंक देख सकते हैं वहाँ से आप इसका पूरा वीडियो भी देख सकते हैं इसका ओवरऑल लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग आता है तो जो नेक्स्ट ब्लाउज़ है हमारा सिक्स नंबर का वो हमने यहाँ पर एक मटका गला ब्लाउज़ बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेडिशनल लुक देता है आप इसे किसी भी यहाँ पर साड़ी पर कैरी कर सकते हैं और मटका गला बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट शेप देता है जब हम इसको अच्छे से पहनते हैं तो यहाँ पर हमने इसके कपड़े की ही लटकन बना के रेडी कर ली है जो कि इसको बहुत ही अमेजिंग लुक दे रही है और देखिए यहाँ पर जो इसका गला है वो हमने मटका गला बनाया है और इसकी स्लीव्स भी हमने यहाँ पर आ, ऐसे पाँच पाँच इंच की स्लीव्स बनाते हुए इसको रेडी किया है और फ्रंट से हमने यहाँ पर इसको कटोरी कट बनाया है आप चाहें तो प्रिंसेस कट फोर टक्स ब्लाउज आप इसको कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं यहाँ पर तो ये देखिए ऐसे हमने अपना ये वाला ब्लाउज़ रेडी किया है आप चाहें तो पूजा या फिर किसी भी ट्रेडिशनल डे पे आप इसको कैरी कर सकते हैं ये साड़ी के साथ बहुत ही अमेजिंग लुक देता है तो सेवेंथ नंबर का जो ब्लाउज डिज़ाइन है वो पार्टी वेयर ब्लाउज डिज़ाइन है और यहाँ पर जो इसका बैक नेक है वो बहुत ही ज़्यादा हमने डिज़ाइनर बनाया है यहाँ पर इसको हमने पीछे से जो मंदिर गला होता है यानी कि जो ट्रायंगल शेप होता है वो हमने दिया है और नीचे से हमने एक जो चौड़ी पट्टी होती है वो इसमें अटैच की है और ऊपर हमने यहाँ पर इसमें कॉलर अटैच किया है और इसकी स्लीव्स भी हमने यहाँ पर छोटी लगाई हैं जिससे तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है हमने इस पूरे गले में पाइपिंग अटैच की है कोई भी लेस अटैच नहीं की है जिससे तो बहुत ही ज़्यादा रॉयल और बहुत ही ज़्यादा लाविश लुक दे रहा है तो ये हमारा जो इसका बैक डिज़ाइन है वो है फ्रंट पे हमने इसको फोर टेक्स ब्लाउज डिज़ाइन बनाया है आप चाहे तो प्रिंसेस का डिज़ाइन भी यहाँ पर बना सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमने इसमें कॉलर अटैच किया है स्टैंड कॉलर जो कि हाफ नेक कॉलर है और इसकी स्लीव्स भी देखिए छोटी सी हैं जो इसको बहुत ही अच्छा लुक दे रही हैं अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके इसकी लिंक देख सकते हैं तो ये हमारा ब्लाउज़ था इसके बाद जो एट नंबर पे ब्लाउज़ है वो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज है जो किसी भी पार्टी में आप कैरी कर सकते हैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक देता है यहाँ पर यह गोल्डन ब्लाउज है जिसमें पीछे से हमने यहाँ पर एक पत्ती का डिज़ाइन दे रखा है और यहाँ पर दोनों तरफ हमने बटन्स अटैच किए हैं कोई भी लेस हमने यहाँ पर नहीं लगाई है इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है इसकी वजह से तो ये भी एक बहुत अच्छा पार्टी वेयर ब्लाउज डिज़ाइन है नाइन्थ नंबर पे जो हमारा ब्लाउज डिज़ाइन है वो एक ट्रेडिशनल ब्लाउज़ है आप इसे किसी भी पूजा पे कैरी कर सकते हैं और यहाँ पर आप किसी भी ट्रेडिशनल डे पे इसको कैरी कर सकते हैं और ये देखिए इसका जो बैक नेक है वो हमने यहाँ पर ऐसे बनाया है इसकी जो स्लीव्स हैं वो यहाँ पर फ्रिल स्लीव्स हैं जो कि इसे बहुत ही एलिगेंट लुक देती हैं तो ये ब्लाउज़ भी आप किसी पार्टी या फिर किसी शादी या फिर यहाँ पर किसी भी पूजा में कैरी कर सकते हैं लटकन हमने यहाँ पर रेडीमेड लगाए हैं तो ये देखिए अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं जो हमारा टेंथ ब्लाउज़ है यानी कि जो हमारा आखिरी ब्लाउज है वो ब्रॉकेट का ब्लाउज़ है यहाँ पर और इसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यहाँ पर जो इसका बैक नेक है उसका जो शेप है वो हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया है और जो इसकी स्लीव्स हैं वो देखिए यहाँ पर ये जो फिश डिज़ाइन की स्लीव्स होती हैं वो हमने बनाई हैं तो ये स्लीव्स ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक देती हैं तो ब्रॉकेट का ब्लाउज़ भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी साड़ी पे कैरी करने का और पार्टी में तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है तो फ्रेंड्स ये सारे ब्लाउजेज़ आप किसी भी साड़ी पे कैरी कर सकते हैं और इन सब के डिज़ाइन ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं आप इन्हें किसी भी साड़ी पर कैरी कीजिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे अगर आपको हमारे डिज़ाइनस पसंद आए हों तो हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स के साथ यूं ही बने रहिए है। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग